क्या लगता है आपको कि अभी अभी कल तक 201 था, आज 210 है, 210 करोड़ पार कर चुकी है. व्हाट डू यू थिंक, व्हिच वे विल किक मूव नाउ? किक की कमाई जो है वो वाकई में हैरान करने वाली है, क्योंकि फिल्म जो है क्रिटिकली उतना पसंद नहीं की गई. जी, लास्ट शो में भी हमने बात की थी, तो सलमान खान के फैंस फिल्म पे टूट पड़े और कमाई जो है वो बहुत अच्छी जा रही है. अब ये धूम को पीछे छोड़ेगी या नहीं, आज 8 तारीख, लगभग 7 तारीख है, एक हफ्ते का अभी हमारे पास और वक्त है. सिंघम रिटर्न्स 15th को रिलीज़ हो रही है और शायद 14 या 13 से उसके प्रीव्यू शोज होने शुरू हो जाएंगे. किक के पास एक हफ्ता और है, और जिस तरह से कमाई की है, क्योंकि 11 दिन में आप ये आंकड़ा मुझे बता रही है, थोड़ा सा डाउन हुआ है कलेक्शन. सबसे बड़ी बात, आपने कहा कि वो ऐसी फिल्म बनाते हैं जहां पे कोई वल्गैरिटी नहीं होती, जहां पे पूरी फैमिली देख सकती है. ये एक बहुत बड़ा रेवेन्यू प्रोपोर्शन है, क्योंकि यूथ सर्टिफिकेट फिल्म को सैटेलाइट वैल्यू बहुत जबरदस्त मिलती है. बिल्कुल, एक फिल्म की जब रिलीज डेट तय होने होती है तो लगभग ये तय होता है कि 3 से 4 दिनों के अंदर कितना कमाई होगी मैक्सिमम, वो पता हो जाता है कि इतना तो होगा. अब क्योंकि किक को अच्छा खासा टाइम मिल गया था, इट्स जो अभी एंटरटेनमेंट रिलीज हुई है उसके पहले कोई बड़ी फिल्म नहीं आई थी, तो अच्छा खासा टाइम मिल गया, उसके बीच में उसने इतना पैसा कमा लिया है. क्रिटिक्स रेटेड हिम 4 स्टार और 3 स्टार. आई गेस सलमान खान फैंस, दे डू नॉट गो बाय क्रिटिक्स. यस, ऑफ कोर्स, दे डू नॉट रीड रेटिंग्स एंड ऑल. ही हैज एन ओवरऑल इमेज एंड पीपल प्रेफर टू वॉच हिम. अगर शायद दीपिका पादुकोण फिल्म ज्वाइन होती, ये फिल्म 300 करोड़ रुपए क्रॉस करती इन 10 दिनों के अंदर, क्योंकि हीरोइन फैक्टर बहुत बड़ा होता है हिंदुस्तान में, क्योंकि जितने भी सलमान खान फैन हैं, औरतों से ज्यादा मर्दों की संख्या ज्यादा है. तो हीरोइन फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो वैल्यू कटरीना कैफ को और दीपिका को मिल रही है जी. वो वैल्यू कैटेगोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है. अब लोग अपग्रेड हो गए हैं, ऑडियंस अपग्रेड हो गई है, ऑडियंस को सलमान खान के सर्कस के अलावा एक अच्छी कहानी भी एक्सपेक्ट करती है, जो कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है.